अंबेडकर अपने उस 1 जनवरी के दिन बाबा साहब अंबेडकर भीमा कोरेगांव में इन लोगों को वंदन करते थे। देखिए, एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर 1 जनवरी को इन 500 सूरवीरों को वंदन करते हैं। 1808 में हम लोगों को पढ़ाई करने की अनुमति थी, यानी 1808 का वो जो सूर नाग है, क्या वो 10वीं पास था? क्या वो ग्रेजुएट था? क्या वो पोस्ट ग्रेजुएट था? एक बैरिस्टर डिलीट पीएचडी होल्डर जो कभी भी किसी स्कूल में नहीं गए, ऐसे लोगों को वंदन करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर इतने पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों को वंदन कर रहे हैं, और 18 मार्च 1956 में बाबा साहब अंबेडकर आगरा में कहते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। यानी एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर पढ़े लिखे लोगों को कहते हैं कि ये लोग धोखेबाज है, ये इन लोगों ने मुझे धोखा दिया, और एक तरफ जिन लोगों ने कभी स्कूल की दहलीज नहीं छोड़ी, बाबा साहब उनको नमन करते हैं। ये क्यों करते हैं पता है? आज भी हमारा पढ़ा लिखा वर्ग इसको उसका दोस्त कौन है और उसका दुश्मन कौन है इसकी जानकारी नहीं है, और हमारे अनपढ़ लोगों को जिन्होंने किसी स्कूल में पैर नहीं रखा उनको उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है इसकी जानकारी उनको है, और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर इन अनपढ़ 500 सूरवीरों को वंदन करते हैं, लेकिन हमारे पढ़े लिखे लोगों को कहते हैं कि ये मेरी मूवमेंट चलाने के लिए आगे नहीं आते। आज भी वही परिस्थिति इस देश में फिर से लागू करने की तैयारी हो रही है, फिर से लागू करने की। आज जो संसद में कानून बनते हैं, जो आपके विधान भवनों में कानून बन रहे हैं, ये सारे कानून आपके गले में फिर से वो अदृश्य हांडी लटकाने और आपके कमर में फिर से वो झाड़ू लटकाने की कानून इस देश में बन रहे हैं। और आज बाबा साहब अंबेडकर जी ने जब देखा, देखिए 1818 में भी ये पेशवा हमको न्याय देने को तैयार नहीं था, जिसके हाथ में इस देश की व्यवस्था थी वो हमको न्याय नहीं देना चाहता था, मगर बाहर से आया हुआ अंग्रेज, यूरोप से आए हुए लोग हमको अधिकार दे रहे थे, उन्होंने हमको उनके बटालियन में लिया, लेकिन इस देश में जो पेशवा जिस देश में रहता था वो हमको न्याय देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने जाते जाते देखा कि इस देश की व्यवस्था हमको कभी भी न्याय नहीं देगी, और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा इसलिए नहीं ली कि कल तक आप राम के चरणों में पड़े थे, खंडोबा के चरणों में पड़े थे, आज मैं आपको बुद्ध देता हूं, कल से त्रिशरण पंचशील करो और विहारों में बैठे रहो, इसलिए नहीं दिया। बाबा साहब अंबेडकर जी को पता था कि मेरे बाद मेरे लोगों की सुरक्षा करने के लिए इस देश में कोई नहीं होगा, और ऐसी परिस्थिति जब इस देश में आएगी तब मेरा ये वर्ग, मेरा ये समाज बुद्ध के चरणों में जाएगा, और जितने भी बौद्ध राष्ट्र है ये उनके मदद के लिए आगे आएंगे। इस हिसाब से बाबा साहब ने इस देश में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया है। मगर हम लोग आज भी खुद को महार कहते हैं, खुद को चमार कह रहे हैं, खुद को वाल्मीकि कहते हैं, अलग अलग जातियों में हम लोग आज भी पड़े हैं, और इसलिए मैं आज का ये दिन, मैं आप लोगों को, आप सोचते होंगे ये नाग नाग क्यों कह रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग महार बने रहो। बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1956 में आपको बौद्ध बनाया है। एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया, हम लोग 25 दिसंबर को मनुस्मृति का दहन का कार्यक्रम करते हैं। आप मुझे बताइए 1927 पहले आएगी या 1954 पहले आएगी? तो बाबा साहब ने अंतिम समय में हमको जो कंक्लूड किया है, जो सारांश दिया है, आप उसको स्वीकारोगे या 1927 को स्वीकारोगे? बाबा साहब ने 25 दिसंबर को
25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई और 25 दिसंबर 1954 में पुणे के देहू रोड में रंगून से लाई हुई बुद्धा की मूर्ति उस मंदिर में स्थापित की। बाबा साहब अंबेडकर इस विश्व के पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक ही जीवन में एक प्रस्तापित व्यवस्था को जलाया और एक अच्छी व्यवस्था इस देश में कायम की, वरना इस देश में, इस पूरे विश्व में ऐसा एक भी इंसान नहीं है। आप कार्ल मार्क्स को ले लो, आप लेनिन को ले लो, इन्होंने क्रांति की, इन्होंने क्रांति की, लेकिन उसका रिजल्ट उनको 2 या 3 पीढ़ी के बाद मिला। उन लोगों में जो चेतना जगी वो 2 या 3 पीढ़ी के बाद क्रांति हुई। इन्होंने क्रांति की शुरुआत की मगर क्रांति 2 या 3 पीढ़ी के बाद हुई। बाबा साहब अंबेडकर पहले ऐसी व्यक्तिमत्व है जिन्होंने एक ही जीवन में क्रांति की और उसी जीवन में बाबा साहब ने व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। एक में व्यक्ति इस विश्व में बाबा साहब अंबेडकर है और इसलिए हम लोगों को बौद्ध धर्म के मार्ग पे चलना होगा, क्योंकि जितने काल तक आप जातियों में पड़े रहोगे उतने देर तक आपके ऊपर अन्याय होगा। इसलिए बाबा साहब ने जब 1954 में, सबसे पहले 1950 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने विश्व के बौद्ध सम्मेलन में अपने भारत के ओर से अपना प्रस्ताव वहां पर रखा, 1952 में रखा, 1954 में रखा और 1956 में रखा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने पूरे विश्व के बौद्धों को आपके साथ खड़ा किया है, मगर आज भी आप लोग दलित बने बैठे हो, महार बने बैठे हो। आज हम लोग यहां पर बौद्धों की परिषद ले रहे हैं, लेकिन आज भी आप लोगों की पहचान जाति के ऊपर इस देश में नहीं हो रही। और इसलिए बाबा साहब ने जो मार्ग हमको बताया है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन बाबा साहब अंबेडकर जी ने किया और इसी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट से बाबा साहब ने जोड़ा और वही काम ये पिछले मई महीने से हमने किया है पूरे विश्व के सामने। मैं इस देश के बौद्धों की परिस्थिति मैंने पिछले जापान के कॉन्फ्रेंस में रखी, यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में रखी और इस देश के बौद्धों की परिस्थिति पूरे विश्व के सामने लाकर इस देश में पूरे विश्व के बौद्ध राष्ट्रों को भारत के बौद्धों के साथ खड़ा करने का मूवमेंट हम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आप लोगों का साथ और सहयोग इस मूवमेंट के लिए चाहूंगा कि इस मूवमेंट को बाबा साहब ने जिस तरह से चलाया था उसके ऊपर हमको लेकर जाना है। आज हमारा इतिहास का, क्योंकि बाबा साहब ही कहते हैं जो अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते, और ये 1 जनवरी 1818 ये हमारा गौरवशाली इतिहास है और ये महार हो, अछूत हो, ये इस व्यवस्था ने हमको दिया हुआ नाम है, इस व्यवस्था ने हमको दिया हुआ नाम है। हमारा ओरिजिनल नाम बुद्धिस्ट है, हम बौद्ध है, इस देश के हम नागवंश है और इस देश में बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने का काम हमारे पूर्वजों ने किया है। ये हमारा उससे भी गौरवशाली इतिहास है और इस इतिहास को हम लोग आगे लेकर आएंगे और इस देश को पुनर् एक बौद्ध राष्ट्र बनाने में हम लोग कामयाब होंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया, आप सभी लोगों का आभार, आप लोगों ने मुझे यहां सुना, आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।